Assalamu alaikum students, I am your PS teacher and now we are going to start our PS lecture. तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ना है मुसलमान मुसलहीन के हवाले से नज़र पाकिस्तान की वजाहत। मुसलहीन कहते हैं इस्लाह करने वालों को। यहाँ पे मुसलमान मुसलहीन हम उन लोगों को कंसीडर करेंगे जिन्होंने कि हमें पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की उसकी जद्दोजहद में कोई ना कोई किरदार अदा किया, उनको हम मुसलमान मुसलहीन बोलेंगे, जैसे कि सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल वगैरह। तो हम देखते हैं कि मुसलमान मुसलहीन के हवाले से नज़र पाकिस्तान की वजाहत किस तरह से हो सकती है। तो बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तदा तो मुसलमानों की आमद के साथ ही हो गई थी। अब दो कौमी नज़रिया क्या है? दो कौमी नज़रिया है कि हिंदू और मुसलमान दो अलहदा अलहदा कौमें हैं, इसको हम बोलते हैं दो कौमी नज़रिया। और इस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ही मुसलमानों का और हिंदुओं का लाइफस्टाइल चेंज है कि मुसलमानों का जो मज़हब है वो इस्लाम है, वो इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और फिर उन्होंने देखा कि जब ये हम हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं, हमारा लाइफस्टाइल चेंज है, तो हम वहाँ पे एक साथ नहीं रह सकते। और इसी नज़रिए ने फिर क्या किया, नज़रिए पाकिस्तान की बुनियाद बना, या हम कह सकते हैं कि दो कौमी नज़रिए ने इस्लामी नज़रिया हयात की बुनियाद बना, और फिर इस्लामी नज़रिया हयात की वजह से नज़रिया पाकिस्तान बना जो कि क़यामे पाकिस्तान की वजह बना। तो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद तो मुसलमानों की आमद के साथ ही हो गई थी बरसगीर में। फिर काफ़ी बाद में ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने इस नज़रिए को और मजबूत किया। वो किस तरह से कि 1867 में सैयद अहमद खान ने साफ तौर पर कह दिया, 1867 में जब 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों की नाकामी हुई थी, तो फिर मुसलमानों पर बहुत से जुल्म सितम अंग्रेज़ों ने ढाने शुरू कर दिए। तो फिर उसके बाद इन हालात को देखते हुए सैयद अहमद खान वो पहले शख्स थे जिन्होंने मुसलमानों को इस गुलामी से निजात दिलाने के लिए अपनी कोशिश शुरू की। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने दो कौमी नज़रिए को उभारा। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और एक दूसरे में जज्ब नहीं हो सकती, यानी घुल मिल नहीं सकती। उसके बाद